नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ मैथ का चैप्टर मैट्रिसेज में देखेंगे कि ट्रांसपोज से रिलेटेड कैसे आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। देखिए इसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू 2 -3 5 0 7 -4, ये हम लोगों को मैट्रिसेज दिया गया है। कह रहा है वेरीफाई दैट ए डैश का डैश, डैश मतलब होता है ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज जो होगा उसका होल का ट्रांसपोज जो होगा किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। मतलब ए डैश का डैश जो होगा किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गिवेन, लिखेंगे गिवेन। देखिए ए इक्वल टू क्या है, ये 2 है, -3 है, 5 है, यहाँ पे 0 है, 7 है, -4 है। अब दोस्त देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग पहले इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में क्या है, ए डैश है। तो ए डैश का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे ए डैश का मतलब ये क्या होता है, ट्रांसपोज। डैश को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे ए डैश है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए और ये टी, इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए होता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो देखिए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रो चेंज हो जाता है कॉलम में चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे ये क्या है, आर वन है, तो ए डैश का मतलब क्या हो गया कि आर वन चेंज हो जाएगा सी वन में, यानी कि ये देखिए ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये वर्टिकल लाइन हो जाएगा। यहाँ पे 2 -3 और ये हो गया 5, आर वन हो गया सी वन और ये आर टू जो है ये क्या हो जाएगा, सी टू हो जाएगा, यानी कि 0, ये 7 और ये हो जाएगा -4। ओके, ए डैश का मतलब ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग क्या निकालना है, यहाँ पे ए डैश का डैश। अब यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर ए डैश का डैश, यानी कि अब इसको फिर से ट्रांसपोज निकालना है, इस वाले को फिर से ट्रांसपोज निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया कि रो फिर से किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब यहां पे देखिए तो ये हो जाएगा, हम लोग देखिए रो है ना यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, कॉलम में हो जाएगा। तो ये आर वन है, ये हो जाएगा सी वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग को 2 0। ये आर टू है, ये हो जाएगा सी टू यानी कि -3 और ये हो जाएगा 7 और ये आर थ्री है, ये हो जाएगा सी थ्री हो जाएगा यानी कि 5 और ये हो जाएगा -4। अब दोस्तों देखिए ये किसके इक्वल है बताइए, ये ए के इक्वल आ गया। देखिए यहाँ पे ये क्या था, हम लोगों को ए यही तो था, 2 -3 5 0 7 -4, यहाँ पे इसको लिख देंगे, ये लिख देंगे, ये किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। लिखेंगे देयरफॉर ए डैश का डैश इक्वल टू ए, ये हो गया वेरीफाई। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो चेंज किसमें हो जाता है, कॉल्यूम में चेंज होता है, रो चेंजेज इनटू कॉल्यूम, रो किसमें चेंज होता है, कॉल्यूम में चेंज होता है। तो ये ट्रांसपोज का मतलब दोस्तों ये होता है, ठीक है। और ट्रांसपोज हम लोग कैसे लिखते हैं, डैश के द्वारा लिखते हैं या टी के द्वारा लिखते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू दिया गया है मैट्रिक्स 3 5 -2 0 4 -6 दिया गया है, देन वेरीफाई दैट 2a का डैश, देखिए 2a का क्या है डैश, किसके इक्वल होगा, 2 times a' के इक्वल होगा। तो पहले हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर दोनों इक्वल हो जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे गिवन, लिखेंगे डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। ए इक्वल टू लिखेंगे, देखिए यहाँ पे है 3 5 -2 0 और ये 4 और -6 हम लोग को दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करा, 2a का डैश कीजिए यानी कि 2a का ट्रांसपोज निकालिए। तो पहले हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, 2a का। देखिए आप लिखेंगे देयरफॉर 2a, 2a का मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स a का जो वैल्यू है यानी कि 3 5 -2 0 4 -6। फिर समझिए दोस्तों 2a का मतलब क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a, a मैट्रिक्स मतलब कितना दिया गया, ये वैल्यू जो दिया गया इसको हम लोग कॉपी कर दिया यहाँ से। अब इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, इस 2 से क्या होगा, सारा एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 × 3 हो गया 6, 2 × 5 हो जाएगा 10, 2 × -2 हो जाएगा -4, 2 × 0 हो गया 0, फिर 2 × 4 हो जाएगा 8 और 2 × -6 हो जाएगा 12। ओके, ये 2a का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2a का क्या करा, ट्रांसपोज निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 2a का ट्रांसपोज, डैश मतलब ट्रांसपोज,
अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका मतलब क्या, रो किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में, ये आर वन है, ये क्या आर वन है, आर वन किस में चेंज हो जाएगा, सी वन में सिक्स, और ये टेन हो जाएगा। फिर ये है आर टू, ये चेंज हो जाएगा सी टू में, तो माइनस फोर, ये जीरो। और फिर आर थ्री चेंज हो जाएगा सी थ्री में, एट माइनस ट्वेल्व। ये किसका वैल्यू है, टू ए डैश का वैल्यू आ गया, टू ए ट्रांसपोज का, ओके, टू ए का ट्रांसपोज, ओके। अब हम लोग निकालना है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि टू टाइम्स ए डैश, ए पद टू टाइम्स ए ट्रांसपोज, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्या था, एल एच एस था, अब आर एच एस देखिए, आर एच एस में हम लोग क्या कह रहा है कि टू ए ट्रांसपोज कह रहा है, मतलब ट्वाइस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, और उसका हम लोग क्या टू से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यही रिजल्ट आ जाएगा, तो हम लोग प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए ए का वैल्यू हम लोग दिया गया है, ए दिया गया है कितना, ए दिया गया है थ्री फाइव माइनस टू जीरो फोर माइनस सिक्स। देखिए ये ए का वैल्यू था, इसको हम लोग कॉपी किया यहां से, और हम क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज पैनल निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, क्योंकि ट्वाइस ऑफ ए ट्रांसपोज था, तो पहले ए ट्रांसपोज निकाले, तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर वन को चेंज कीजिए सी वन में, तो ये हो जाएगा थ्री फाइव, आर टू को चेंज कीजिए सी टू में, यानी कि हो जाएगा माइनस टू जीरो, और आर थ्री को चेंज कीजिए सी थ्री में, तो ये हो जाएगा फोर माइनस सिक्स। अब हम लोग क्या निकालना है, तो लिखेंगे देयर फोर टू टाइम्स ए ट्रांसपोज, हम लोग यही तो निकालना है, टू टाइम्स ए ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो टू से क्या कीजिए, ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए ट्रांसपोज तो हम लोग निकाल चुके हैं, थ्री माइनस टू फोर, और ये है फाइव जीरो माइनस सिक्स, मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा टू ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इस टू से सारा एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, सिक्स हो जाएगा, टू इंटू माइनस टू हो जाएगा माइनस फोर, टू इंटू फोर हो जाएगा एट, टू इंटू फाइव हो जाएगा टेन, टू इंटू जीरो हो गया जीरो, और टू इंटू माइनस सिक्स हो जाएगा माइनस ट्वेल्व। तो देखिए ये हो गया आर एच एस, टू टाइम्स ए ट्रांसपोज हम लोग को ये आया, सिक्स माइनस फोर एट, टेन जीरो माइनस ट्वेल्व, और यहाँ पे देखिए एल एच एस कितना था, एल एच एस भी तो यही था, टू ए डैश का ट्रांसपोज सिक्स माइनस फोर एट, टेन जीरो माइनस ट्वेल्व, तो दोनों क्या हो गया आपस में इक्वल हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड। आई होप दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर टू भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू दिया गया है मैट्रिक्स थ्री टू माइनस वन माइनस फाइव जीरो माइनस सिक्स, बी का वैल्यू हम लोग ये दिया गया है, कह रहा है देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब दोस्तों देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये क्या है ए प्लस बी। अब दोस्तों देखिए दो मैट्रिक्स का एड, दो मैट्रिक्स का एडिशन कब होता है, जब इसका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है टू इंटू थ्री, यानी कि स्टार्टिंग वाला क्या होता है रो होता है, और ये क्या होता है कॉलम होता है। अब यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर कितना है, रो कितना है टू है, और कॉलम कितना थ्री है, तो सेम ऑर्डर है, इसीलिए क्या हो जाएगा एडिशन होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे ए प्लस बी का पहले वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे एल एच एस, ए प्लस बी निकालेंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, पहले ए का एलिमेंट कॉपी कीजिए यहाँ पे, थ्री टू माइनस वन माइनस फाइव जीरो माइनस सिक्स, फिर प्लस का साइन, बी को कॉपी कीजिए, ये है माइनस फोर, ये है माइनस फाइव माइनस टू, ये हो जाएगा थ्री वन और एट। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोस्तों क्या होता है, ऐड होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू, देखिए ये जो है इसके साथ ऐड होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा थ्री प्लस में हो जाएगा कितना माइनस फोर, या इस आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये टू प्लस और ये हो जाएगा माइनस फाइव, इसका इसके साथ में, फिर माइनस वन, फिर प्लस, ये हो जाएगा माइनस टू, ओके, फिर हो जाएगा माइनस फाइव प्लस, पॉजिटिव है यहाँ पे थ्री, ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं, ये जीरो प्लस, ये हो जाएगा वन, और ये वाला लास्ट वाले के साथ में माइनस सिक्स प्लस एट। फिर समझिए दोस्तों कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ, इसी तरह से ऐड होता है, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट होता है।
अब यहाँ पे देखिए इसको ना सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -1, ये प्लस माइनस हो जाएगा -2। देखिए 3 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा -2, ये 1 में 0 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1, और 8 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग को ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा सो क्या हो जाएगा, देखिए 3 में से 4 जाएगा -1, 2 में से 5 जाएगा -3, और ये -1 और -2 हो जाएगा -3, ये -2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। अब हम लोग निकालना है इसका, देखिए देयर फोर ए प्लस बी का हम लोग क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया कि आर वन चेंज हो जाएगा सी वन में, ये हो जाएगा -1 -3 और ये हो जाएगा हम लोगों को -3, और आर टू चेंज हो जाएगा सी टू में, ये हो जाएगा -2, ये 1 और ये हो जाएगा 2। ये दोस्तों एल एच एस का वैल्यू हम लोग को ये मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, आर एच एस आएंगे। देखिए यहाँ पे आर एच एस में क्या कह रहा है, आर एच एस में हम लोग कह रहा है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, बी ट्रांसपोज निकाल, दोनों क्या करें ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हियर ए का वैल्यू कितना दिया गया, देखिए ए का वैल्यू हम लोग को दिया गया है 3, 2, -1, और बी का वैल्यू कितना -5, 0 और ये -6। देखिए यहाँ पे ये ए का वैल्यू दिया गया था, ए का वैल्यू हम लोग को ये है, उसी कॉपी की यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए यहाँ पे तो देयर फोर ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, आर वन चेंज हो जाएगा सी वन में, तो ये आर वन है, ये हो जाएगा 3, ये 2, ये -1, और ये हो जाएगा आर टू चेंज हो जाएगा सी टू में, तो ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -6। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू हम लोग को इतना मिल गया। अब लिखेंगे एंड बी, बी का वैल्यू क्या दिया गया था, बी का वैल्यू हम लोगों को -4, क्वेश्चन में से कॉपी कर रहे हैं -5 और यह है -2 और यह है 3, ये 1 और ये 8। अब लोग क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज यहाँ पे निकालेंगे। तो बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, फिर इसको चेंज कर दीजिए, आर वन को चेंज कर दीजिए, किस में सी वन में, आर वन कितना है, देखिए ये है आर वन, ये हो जाएगा -4, -5 और ये -2, और ये हो जाएगा आर टू चेंज कर दीजिए सी टू में, आर टू है 3, ये 1 और ये 8। और लोग क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिएगा कि एल एच एस के इक्वल हम लोगों को मिल जाएगा, यानी कि इतना मिल जाएगा ये वाला वैल्यू हम लोग को वेरीफाई हो जाएगा। देखिए इससे आगे नेक्स्ट पेज में, देखिए पिछला पेज हम लोग को वैल्यू ये आया था, देखिए ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, और ये हम लोग क्या था, आर एच एस था। इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, देखिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, अब इसको ऐड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ये 3 प्लस, ये हो जाएगा -4, इसको इसके साथ में, फिर हो जाएगा -5 प्लस, यहाँ पे +3 है तो ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ब्रैकेट यहाँ पे इसलिए दिया है नेगेटिव में ताकि साइन चेंज होगा, ये 2 -5 के साथ में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस, ये हो जाएगा -5। ओके, 0 किसके साथ में ऐड होगा, 1 के साथ में, तो ये 0 प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए -1 जो होगा इसके साथ में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस, और यहाँ पे नेगेटिव है तो ये हो जाएगा -2, और ये -6 ऐड होगा किसके साथ में, प्लस 8 के साथ में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए आगे तो ये हो जाएगा हम लोग को ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए 3 प्लस माइनस हो जाएगा -4, 2 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा, सॉरी 3 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस हो जाएगा -5, और 0 प्लस 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए -1, ये माइनस प्लस हो जाएगा -2, और 8 में सी जाएगा तो जाएगा 2। अब इससे आगे देखिए तो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसका वैल्यू हो जाएगा, देखिए 3 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा -1, ये तो -2 एज इट इज, 2 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा 1 एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा -1 और -2 हो जाएगा -3,
और यहाँ पे हो जाएगा टू एज इट इज। तो यही दोस्तों किसके इक्वल है, एल एच एस के इक्वल। देखिए यहाँ पे एल एच एस हम लोग को यही था, देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालते तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वन, देखिए यहाँ पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वन, और माइनस थ्री और टू है, माइनस थ्री और टू है, ठीक। किसके इक्वल हो गया, एल एच एस के इक्वल हो, दोनों आपस में इक्वल हो गया। लिखेंगे यहाँ पे सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हेंस वेरीफाइड। आइए दोस्तों आप लोगों को ट्रांसपोज निकालना आप लोगों को आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि इफ पी इक्वल टू हम लोग को ये दिया गया है और क्यू का वैल्यू हम लोग ये दिया गया है, देन वेरीफाई पी प्लस क्यू का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, पी ट्रांसपोज प्लस क्यू ट्रांसपोज के इक्वल है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन सेम प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पी प्लस क्यू का वैल्यू निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो यहाँ पर हम एल एच एस से आएंगे, एल एच एस में क्या है, पी प्लस क्यू का ट्रांसपोज। यहाँ से क्या कीजिए, पहले पी प्लस क्यू का वैल्यू निकाल लीजिए। तो पी का वैल्यू है हम लोगों को थ्री फोर, यह टू माइनस वन और ये जीरो फाइव, प्लस क्यू का वैल्यू है सेवन माइनस फाइव माइनस फोर जीरो टू सिक्स। अब इसको ऐड कीजिए, देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू इक्वल टू, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कीजिए तो थ्री और प्लस सेवन, तो कितना हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री प्लस सेवन, ये हो जाएगा फोर प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस फाइव, ये इसके साथ ऐड होगा। अब देखिए ये जो है इसके साथ ऐड होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग को टू प्लस, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस फोर है, फिर ये है माइनस वन प्लस जीरो, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे यहाँ पे। अब जीरो को टू के साथ ऐड कीजिए तो हो जाएगा जीरो प्लस टू, और ये हो जाएगा फाइव प्लस सिक्स। आगे देखिए ये पी प्लस क्यू इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को, देखिए थ्री प्लस सेवन हो जाएगा टेन, ये हो जाएगा फोर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस फाइव, ये हो जाएगा टू प्लस माइनस हो जाएगा माइनस फोर, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस जीरो हो जाएगा माइनस वन, ये जीरो प्लस टू हो जाएगा टू, और ये फाइव प्लस सिक्स हो जाएगा एलेवन। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा टेन, फोर में से फाइव जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वन, टू में से फोर जाएगा तो हो जाएगा माइनस टू, ये माइनस वन, ये हो जाएगा टू, और ये हो गया हम लोगों को एलेवन। तो ये क्या हो गया वैल्यू, पी प्लस क्यू का वैल्यू हो गया। ओके ये वैल्यू किसका हो गया, पी प्लस क्यू का। अब यहाँ पर लिखेंगे देयर फोर पी प्लस क्यू का ट्रांसपोज, इसका मतलब क्या हुआ कि आर वन चेंज हो जाएगा किस में, सी वन में। देखिए यहाँ पे आर वन ये है ना, तो आर वन चेंज हो जाएगा सी वन में, ये हो जाएगा टेन और ये हो जाएगा माइनस वन, ये हॉरिजेंटल लाइन है तो वर्टिकल लाइन हो जाएगा। फिर आर टू जो है तो सी टू में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये हो गया माइनस टू और माइनस वन, और ये आर थ्री जो है चेंज हो जाएगा सी थ्री में, यानी कि टू, और ये हो जाएगा एलेवन। तो हम एल एच एस को सॉल्व किया तो हम लोगों को ये रिजल्ट आया। अब हम लोग क्या करें, आर एच एस को सॉल्व करें। देखिए नेक्स्ट पेज में देखिए आर एच एस है पी डैश प्लस क्यू डैश, यानी कि पी ट्रांसपोज प्लस क्यू ट्रांसपोज। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पी ट्रांसपोज का पहले वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर, देखिए पहले पी का वैल्यू हम लोगों को दिया गया कितना, यह थ्री फोर, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये टू माइनस वन और ये जीरो फाइव। इसका हम लोग क्या करेंगे, पी ट्रांसपोज निकाल लेंगे। पी ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि आर वन चेंज हो जाएगा सी वन में, यानी कि ये हो जाएगा थ्री, ये हो गया फोर। आर टू चेंज हो जाएगा सी टू में, यानी कि टू माइनस वन, और ये आर थ्री है, आर थ्री चेंज हो जाएगा सी थ्री में, यानी कि जीरो और ये फाइव। ये किसका वैल्यू मिल गया हम लोगों को, पी ट्रांसपोज का। हम लोग क्या करेंगे, क्यू ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे। लेकिन एंड देखिए क्यू इक्वल टू हम लोगों को दिया गया है, क्यू का वैल्यू है सेवन माइनस फाइव माइनस फोर जीरो और ये टू सिक्स। अब यहाँ पे क्यू ट्रांसपोज निकाले, क्यू ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, फिर आर वन को चेंज कर दीजिए सी वन में, यानी कि सेवन माइनस फाइव, आर टू को चेंज कर दीजिए सी टू में, यानी कि माइनस फोर जीरो, और ये आर थ्री है, आर थ्री को चेंज कर दीजिए सी थ्री में। ये क्यू ट्रांसपोज का वैल्यू आ गया। ओके अब हम लोग लिखेंगे देयर फोर पी ट्रांसपोज प्लस क्यू ट्रांसपोज। तो पी ट्रांसपोज का वैल्यू कितना आया, देखिए पी ट्रांसपोज का वैल्यू हम लोग ये मिला है थ्री टू जीरो,
यहां से कॉपी करेंगे 3204-1 5, लिखेंगे यहां पे 3204-1 और ये 5 प्लस क्यू ट्रांसपोज। क्यू ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है, ये है, यानी कि 7-4 2, ये -5 0 6। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए यहां पे अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा पी ट्रांसपोज प्लस क्यू ट्रांसपोज, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कीजिए तो 3 के साथ कौन ऐड होगा, 7, तो हो जाएगा 3 प्लस 7, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 किसके साथ ऐड होगा, -4 के साथ, मतलब यहाँ पे निगेटिव, तो यहाँ ब्रैकेट लगाइए, फिर यहाँ पे 0, 0 किसके साथ में ऐड होगा तो प्लस 2 के साथ में, ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि यहाँ प्लस है, निगेटिव वाले में ब्रैकेट लगाइएगा, ठीक है, 4 ये प्लस 4 किसके साथ में ऐड होगा, -5 के साथ में, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, ये -1 है, ये किसके साथ में ऐड होगा, 0 के साथ में, 5 किसके साथ में ऐड होगा, 6 के साथ में, तो 5 प्लस 6। आगे देखिए ये हो जाएगा पी ट्रांसपोज प्लस क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू, तो 3 प्लस 7 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस हो जाएगा -4, 0 प्लस 2 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस हो जाएगा -5, -1 में 0 ऐड करें तो हो जाएगा -1, 5 प्लस 6 हो जाएगा 11। अब इससे आगे देखिए ये हो जाएगा पी ट्रांसपोज प्लस क्यू ट्रांसपोज का जो वैल्यू होगा, ये हो गया 10, ये हो जाएगा -2, ये 2, 4 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा -1, ये -1 और ये हो जाएगा 11। और यही दोस्तों LHS के इक्वल है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, देखिए P प्लस Q का ट्रांसपोज यही किया है ना सेम, 10 -1 देखिए -2 -1 और 2 और 11, यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, साथ में आप लोग ये भी समझ गए होंगे कैसे ट्रांसपोज निकाला जाता है। दोस्तों कहीं भी आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट जरूर बताइए कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।